सच में की फीलिंग ही कुछ अलग है। एक फोटो खींच लियो। थोड़ा बहुत तो समझ लूंगी। अच्छा तो मैं मारवाड़ी में बोलूंगी तो समझ में आ जाएगी? बोल तो नहीं पाऊंगी। अच्छा तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ अभी? आप ये पूछ रहे हो कि आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? खीरा सलाद डाल रही है, दही डाल रही, आगे चावल है, दाल है और बटी सब्जी है। बहुत ही मजा आ रही है खाना खाने में। स्वाद आ रहा है, बिल्कुल बेटा स्वाद आ रहा है। जब बचपन में लुक भी चनीज है खेला करता, थप्पो दिया करता, भाई आज मैं बच्चा का थप्पो दागी, भाई मैं के कर रही। तो अभी सामने जो फोटो लगा रखी है, फोटो पर नजर पड़ी की फोटो है? मम्मी है भैया। तो भाई नौकर की जा रही हूँ क्योंकि खुल्लो ही पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल गरम गरम है, भूख मार के और फिर खानो पड़ेगा। बढ़िया फीलिंग आ गई, अभी लग रहा है कि और खा लूँ। पर मम्मी पापा की याद आवे तो 7 साल हो गए, तो मतलब मन वन की कोई चीज़ रही नहीं शायद। दोस्ता की याद होने आए? थोड़ी बहुत आती है, पर 2 साल बाद तो दोस्तों के साथ ही रहना है। तो अभी जो सरदार जी, अंकल जी, अंकल जी थोड़ी सी बाइट लेनी है, बैठो बैठो। तीसरो नंबर बच्चों लगाई कौन सका? तीसरो नंबर बच्चों कौन लगा सके? दो ही नंबर आप इन तो ऑप्शन नहीं कोनी लगाने को। हाँ। राम राम जी। मोक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थे देखता होगा कि सिक्कर है वो एक शिक्षा नगरी है, पूरा इंडिया में लगभग अलग अलग कस्बाओं अलग अलग जगहों सिक्कर में पढ़ाई करना आवे ही। देखा तो बहुत सारी कोचिंग खुली हुई है, और अभी आप बात करें तो बच्चा जब सिक्कर आवी दूर आवी तो घर तो रोज जा कौन सकी, हॉस्टल में बन रहना पड़ा है। तो काफ़ी दिनों सोच रहा कि सिक्कर के अंदर जाके कोई भी एक हॉस्टल में जाके एक बाकी हॉस्टल लाइफ है आप दिखावा, क्योंकि माता पिता जी अपने बच्चा ने वह बताया कि नहीं कि भाई जिगरू भी ज़्यादा वह अपने बच्चा अच्छा लगी। तो जब बच्चा ने बाहर निकाली तो बहुत सारा बाका डाउट रही कि भाई हॉस्टल में बच्चा की तरीका रहेगा, कहीं को बाको खान पीन रहेगो। तो आज मैं एक हॉस्टल के अंदर पहुँच गई हूँ, और हॉस्टल के अंदर आप चलेंगे कि बच्चा को तरीका रूटीन रहे सुबह मॉर्निंग में लेके नाइट तक। तो सो फर्स्ट में आप हॉस्टल के अंदर आ गए हैं, और सामने जब आया हाँ तो भाई दो तीन हरे हरे सा डब्बा नज़र आ रहे हैं। तो आ डब्बा के बारे में पहले तो आप जानकारी प्राप्त कराऊंगा, क्योंकि यहाँ का डब्बा बहुत कम देखने मिली। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ये क्या का डब्बा लगा रखे हैं? डब्बा टावरन बात करवा के ही स्मार्टफोन बॉक्स बोला आकमान एक कार्ड लगा जी, जो कार्ड इस प्रकार को होगा, यो एक कार्ड में दो नंबर पेरेंट्स का अपन ऐड कर सका हाँ, बस गार्जन बात हो बच्चा की। अच्छा दो ही नंबर ऐड हो के अंतर्गत, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अच्छा थर्ड नंबर अपन ऐड नहीं करवाते हैं, दो ही नंबर जिसमें मम्मी पापा का हो सकता है, दादाजी चाचा जी का हो सकता है, वो भी अपन गार्जन की अनुमति से ही ऐड करवाते हैं, उनसे वेरीफाई करते हैं कि इन दो नंबरों पर बात होगी। तीसरो नंबर बच्चों लगाई कौन सका है? तीसरो नंबर बच्चों कौन लगा सका है? दो ही नंबर आप इन तो ऑप्शन नहीं कोनी लगाने को। हाँ, अपन कार्ड में भी दो ही नंबर ऐड करवा सकते। देखो सौ अच्छी बात तो ये है कि भाई जो फोन नहीं मोबाइल नहीं बे इजा बिल्कुल भी अवेलेबल को नहीं, कोई भी मोबाइल देखो नहीं, ना कोई बच्चों रखे है और नहीं जा गार्ड वगैरह ही भाई टीचर वगैरह ही, मैं बिल्कुल भी कौन दी। जब भी बच्चा ने बात करनी है तो यो कार्ड लेके आवी, कार्ड अंदर डाली और भी कहना अपने मम्मी और पापा या कोई का भी पेरेंट्स फैमिली में दो नंबर हुई बन पर ही है फ़ोन कर सकें। तो सब अच्छी बात तो है कि भाई बच्चा को दिमाग वो बिल्कुल भी भटका को नहीं और लाइन वो नीचे न उतरे। अभी आप हॉस्टल लाइफ दिखा रहे हैं आज बच्चा की, तो हॉस्टल लाइफ में तो थान पता ही है कि भाई सब कुछ आवा है। अभी आप रूम के अंदर चलाऊंगा, भैया सच बता रही हूँ बच्चा ने कोई ना भी कोई नहीं पता है कि भाई मैं आने वाला आके। तो भाई नौकर की जा रही हूँ क्योंकि खुल्लो ही पड़े हुए हैं, तो देखा जानी भाई कौन रूम के अंदर है और क्या कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा हूँ मैम। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, क्या नाम है? गणेश। कहाँ से हो? सरदार शहर। मारवाड़ी समझ में आ जाएगी तब तो? यस मैम। अच्छा तो अभी सामने जो फोटो लगा रखी है, वह फोटो पर नजर पड़ी की फोटो है? मम्मी है भैया है। मम्मी और भैया और साथ में ही माता रानी है? यस मैम। अच्छा बहुत अच्छी बात है, देखो संस्कार बच्चा ने हॉस्टल मान के बाद कभी नहीं बोलना चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरीका हम रूम ने सेट कर रहा, ऐसी बात को नहीं मैं पहली सेट करवाई बिल्कुल भी नहीं, बच्चा अपना आप आपको रूम सेट करके रखी ही। और माता पिता के घड़े ना घड़े ये डाउट रही कि भाई बच्चों हॉस्टल में रह गो तो वो क्या रह गो, कैसे सो है गो भी नहीं, गर्मी लगेगी या होगी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, गर्मी फील हुआ है? नो मैम। 43-44 को टेम्परेचर जा रहे है? नहीं मैम, ये 20 डिग्री पर रहता रूम। 20 डिग्री पर रहे तो एसी वगैरह चल रहा है या फैन ही काम कर दो? नहीं मैम, फैन से हो जाता है, रात को डक चलता है तो बहुत ठंडा हो जाता है रूम। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई की शीख चल रही है? बढ़िया चल रही है मैम।
करो, पढ़ाई करो और माता पिता को नाम रोशन करो, खुद का सपना पूरा करो। देख रहा होगा कि बच्चा एकदम रूम है वो बिल्कुल सेट कर रखे। एक बच्चा वहाँ पर बात करी, आगे चलांगा, अब आगे बच्चों में बात करना, क्योंकि बच्चों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अभी डिस्टर्ब को नहीं करना ज़्यादा। एक बच्चा वहाँ पर बात कर ली है, एक दो रूम और चेक कराँगा कि भाई बच्चा के करण लाग रहे हैं के नहीं करण लाग रहे। वह बोला कि ना देसी अपने भाषा में की रेट मारनी आज मैं बिल्कुल जाकी। वह जब बचपन में लुक भी चने जाए खेला करता, थप्पो दिया करता, भाई आज मैं बच्चा का थप्पो देंगा कि भाई मैं के कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं। तो अभी यो रूम है, रूम के अंदर आप चलांगा और बच्चा कुंडी वगैरह लगा के कौन रखी भाई बिल्कुल बच्चा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो अभी? मैम अभी केमिस्ट्री रीड कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स का, पहले मैथ रीड कर रहा था अभी। अच्छा, क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह। वो कहाँ से? जोधपुर से। देखो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उम्र हुआ है तो सन स्टाइल मारने को शौक रहे, चाहे वह मैं क्यों ना हो चाहे भाई कोई भी हो, क्योंकि मैं दूसरा की बात कौन कर सकूँ। फिर भी बच्चा की देखो कटिंग देख सको, बिल्कुल अलग है जाने को भाई, टॉपर तो फौज बाजू की तैयारी करेगा। बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चा यहाँ? जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बताओ हॉस्टल में मन लाग रहे हो बिल्कुल? यस मैम, घर वालों से मम्मी पापा की याद आवे? बात कर लेते हैं, आती है तो बात कर लो। बात किसू किसू कर सको थे फोन पर? मैम फोन कार्ड है उससे बात कर लेते हैं उसमें। दोस्ता की याद को नहीं आवे? थोड़ी बहुत आती है, पर घर वालों की याद आती है तो घर वालों से कर लेते हैं। दोस्त तो आगे भी मिल जाएगा जब कुछ करके निकल जाओगे ना, तो फिर अच्छा फोन मिलेगा और बाद में बात कर लेंगे। दो साल बाद तो दोस्तों के साथ ही रहना है। देखो टावरा की इतनी भी समझ में आ रही है कि अभी पढ़ाई करने का दिन नहीं, तो आप स्टडी करा, बाद में दोस्ती दोस्ती। के नाम है? पुष्पेंद्र राठौर। अच्छा खड़े हूँ सादुलपुर चूरू। अच्छा चूरू से ही, तो देख लो भाई टावर कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हो? यस मैम। खाओ पियो अच्छी तरीका हूँ और सोओ और पढ़ाई करो। हाँ, दूसरा तीसरा काम ही नहीं है। जब मैश की बात आई, खाना पीना की, खानो पीनो की शौक बहुत सही, तो भाई अब आप बस सीधा मैश में चलांगा। और मैं तो देख रहा होगा कि काई सोई छोरों को कौन नहीं है कि भाई हल्को ऐसा है, मोटा मोटा तोंद निकल रही है, थोड़े ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है? हाँ। और अडी ना थोड़ा सा बाथरूम वगैरह और दिखा दें भाई। देखो एक यह रियलिटी बात है, सब सोचता होगा कि भाई हॉस्टल में टाबरियाँ ही रही सी, कोई बात को नहीं है। ये जो बाथरूम है, बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अच्छी तरीका जड़ी तक मन नज़र आ रहे हैं, और टाबर भी अच्छी तरीका रखी ही। अभी आप मैश के अंदर चलांगा और देखांगा कि भाई बच्चा ही बाको ब्रेकफास्ट चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चा ने के मिल रहे है, और बच्चा ब्रेकफास्ट संतुष्ट ही या कौन ही मैं खानों खान लाग रहे हैं। कुछ बच्चा अपनों फिनिश करके निकल चुके हैं, तो आज आप देखा बच्चा के साथ में किसों के खानों आने मिल रहे हैं और कितनों के स्वाद आ रहे हैं। अभी जाएंगे एक बच्ची है खानों खा रही है, तो आप बच्ची के साथ में ही खानों टेस्ट कर लें कि कंफर्टेबल कि भाई टापर गए हो जाएगी भाई मेरे इम आगे बाइट के ले लागा। तो खाना की आप बात कर लें, बिल्कुल गरम गरम है, भूख मार के और फिर खानो पड़ेगो, ऐ कौन की भाई ले 3 घंटा पहले 5 घंटा पहले बना के रख दियो। नहीं बढ़िया फीलिंग आ गई, अभी लग रहा है और खा लूँ पर और थोड़ी देर बाद में खाऊंगा। खानो की शौक लगा है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कहाँ से हो? बीकानेर। तो बीकानेर से इतनी दूर आ रहे हो, के फील हुआ नई चीज़ के सीखने मिली? कि यहाँ पे मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना वगैरह सब एकदम बेस्ट है, मतलब दूसरे हॉस्टल से ये हॉस्टल सबसे बेस्ट है। अभी बच्चा को ब्रेकफास्ट हुए है, तो मैम आप बातचीत कर लें। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। तो ब्रेकफास्ट में क्या कुछ रहे हैं? ब्रेकफास्ट में सोमवार को रहते हैं पोहे, और मंगलवार को पूरी सब्जी, और बुधवार को नमकीन चावल, प्लस इनके साथ में जो बच्चे ऑयली खाना नहीं खाना चाहते तो उनके लिए यहाँ दलिया खिचड़ी दोनों साथ में मिलती है। अच्छा। और संडे स्पेशल रहता है, सुबह मॉर्निंग वाली भी स्पेशल है, संडे को पास्ता मिलता है, और इवनिंग के अंदर पूरी, पनीर मटर की सब्जी, मिठाई और खीर। मिठाई चेंज होती रहती है। बच्चा अपना घर का की याद को नहीं हो कि बैठाई के टाइम मीठो खट्टो जो भी बन खानो है सब कुछ खाना। बिल्कुल। अभी आप गर्ल्स हॉस्टल में आप चलांगा कि भाई लड़कियां ही भाई की तरीका हॉस्टल में रहने ही कहें बाको रूटीन रहवे है, क्योंकि लड़का को आप बॉयज़ को देख के आ चुके हैं। हाँ भाई लड़कियां को देखा, क्योंकि कठे ना कड़े माता पिता की
एक बात एक पॉइंट यहाँ जा है कि लड़कियां ने बारह छोड़ांगा तो बीजा की तरीका सिक्योरिटी रहेगी की तरीका नहीं रहेगा तो कठिन गड़े ही एक हिचक रिया करे तो अभी हिचक नहीं आपने दूर करनी है। अभी मैम मेरे साथ में ही तो आ जाओ मन थोड़ी सी हॉस्टल है वह विजिट करवा दो। तो भाई अभी देखा तो लड़कियां ही भाई बिल्कुल आपकी पढ़ाई करन लाग रही और छोरे बेली तो भाई भी क्या करी कि बहुत सियाणी हुई और भाई अपने रूम ना देखो कितनी अच्छी तरीका सेट कर रखे एक चीज़ भी आके उनने की बुनने को नहीं मिल सके क्योंकि छोरी है तो भाई छोरी तो आपको ध्यान नहीं पूरा ही रखेंगे। हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। के नाम है? आयुषी बजाज। कहाँ से हो? नागौर से। नागौर तब थारे सबके मारवाड़ी समझ में आ जाएगी है ना। तो अभी के पढ़ाई कर रहे हो बेटा? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ। और नहीं समझ में आता तबे? डाउट काउंटर पे सर वगैरह हेल्प कर देते हैं। अच्छा के कुछ रूटीन रहे है? सुबह मैम आते हैं 5 बजे उठाने और सुबह उसके साथ चाय मिलती है फिर उसके बाद 7 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और 12 बजे खाने का फिर वापस दोपहर में चाय मिलती है 4:30 के आसपास और फिर 7 बजे के आसपास खाना रात को दूध। काफ़ी माता पिताजी के कोई भी माँ बाप हो बाके कठिना कठे एक डाउट रहे हिचक रहे कि भाई लड़कियां ना आप हॉस्टल में छोड़ांगा तो दिक्कत आऊँगी बहुत सारी प्रॉब्लम आऊँगी तो है कि दिक्कत कोई फेस करनी पड़ी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बिल्कुल भी डिस्टर्ब भी नहीं होता एकदम मस्त अच्छा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। पढ़ाई के साथ मापा बात करें तो कंफर्टेबल कितना हो जा? कंफर्टेबल एकदम सही रहता है सेल्फ स्टडी चले जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई हो जाती है सेल्फ स्टडी में फिर रात को सेल्फ स्टडी यहाँ रोज़ होती है 2 घंटे की फिर है ना रूम पे आके पढ़ना चाहे तो पढ़ लेते हैं वरना सुबह उठ के पढ़ लेते हैं मैम उठा के जाती है 5 बजे फिर अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा भाई बहुत ही अच्छी बात है और लड़कियाँ वहाँ बात करी ही बहुत अच्छी तरीके से बच्चे अपना रूम मेंटेन कर रखे एक रूम में शायद 3 लड़कियाँ एक रूम में मतलब 3 बच्चा रह सके बच्चा लड़का हो या लड़की हो अच्छी तरीके से अपनी स्टडी भी कर ली और स्पेस भी काफ़ी है या कोई कि भाई छोटो सो रूम है कि भाई बच्चा कठे ना कठे कंफर्टेबल होने में दिक्कत आवे। अभी आप एक दो रूम और चेक कर लें कि भाई बच्चियाँ के करन लाग रही हैं के नहीं करन लाग रही हैं तो अड़ी ना पा देखा तो फैन चालन लाग रहे है और 12 सच में रूम के अंदर आवा ना तो गर्मी फील को नहीं हुआ या ठंडक फील हुआ है कि भाई कठे भी बच्चा नहीं है को लगा कि भाई गर्मी पड़न लाग रही है या कुछ और है गर्मी है फिर भी मन लगा है कि फ़ैन एसी वगैरह खूब लगा रखे तो गर्मी दूर कर दे। देखा तो लड़की अपनों अच्छी तरीके में अपना कपड़ा वगैरह सेट कर रखे लेकिन बाथरूम है खाली। हाँ जी बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? किरण पवार। कहाँ से हो? अजमेर। अजमेर सारा टब राजस्थान का ही लगभग है और टाबरा के सारी मारवाड़ी समझ में आवे मारवाड़ी मारे जो सीकर झुंझुनू वाली समझ में आ जाए? हाँ समझ में आती है पर बोलना नहीं आती। बोलना नहीं आता चलो कोई बात को नहीं समझ लेना बहुत बेटर है। तो अभी क्या किस स्टडी कर रहे हो? अभी मैं सेल्फ स्टडी के लिए रेडी हो रही हूँ। बैठ जाओ रामू बैठ जाओ कम्फर्टेबल हो के रामू बोलो ऐ सोच लो कि मैं मेरी कोई भाण भाईली में बात करने लाग रही हूँ। तो अभी नहा धो के आया हो? हाँ जी ब्रेकफास्ट करके नहीं वॉशरूम इधर ही है ना अटैच है तो खानो पीनो? हाँ अभी ब्रेकफास्ट करके आओगे या करे है? नहीं करके आई थी तो मॉर्निंग हूँ लेके शाम तक को के कुछ रूटीन रहे मतलब मेरी डे शिफ्ट है क्लास का तो तब क्लास का रूटीन होता है और फिर शाम को मतलब 8:30 बजे क्लास लीव करते हैं फिर उसके बाद में डिनर होता है फिर सेल्फ स्टडी 11:30 तक फिर उसके बाद रूम में सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा और 3 बच्चियाँ एक साथ में रहोगे? यस मैम। कंफर्टेबल? हाँ कोई भी दिक्कत को नहीं आवे? ऐ कौन लगा कि नहीं वो एक घर या करा है ना कि मम्मी पापा बोला करें कि भाई इन्हें तो एक अलग ही शोण हो या तो फैल की शो है इसी कोई बात को नहीं है देखो कंफर्टेबल तो बेटा होना ही पड़ेगा लाइफ। यस मैम। कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए है ना कि भाई कड़े भी कोई दिक्कत आओ तो आप बिने अच्छी तरीका फेस कर सका। भाई यहाँ एक लड़की होने के नाते मैं पूछूंगी कि भाई कोई भी किसी भी तरीका की कोई दिक्कत आओ? नो मैम काफ़ी फैसिलिटीज़ है ताकि हम अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ हो वार्डन मैम कोई भी किधर भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा यानी कि आप बात करें तो कोई प्रॉब्लम भी आवे तो मैम वो शेयर कर लो? यस मैम फ्रीली हर एक चीज़ से। जो रूममेट हो है अभी के साथ में किस तरीका तारी बॉन्डिंग रहा है? काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है वो अभी न्यू है 11th में अभी उन्होंने एडमिशन रख रखी है मॉर्निंग अलार्म
अच्छा मॉर्निंग अलार्म कितनी बजे? 5 बजे। और मम्मी पापा की याद आवे तो? 7 साल हो गए प्रिंस में ही, तो ये 7 साल है, तो मतलब मन वन की कोई चीज़ रही नहीं शायद। बात करनी है फ़ोन पर तो? कॉलिंग कार्ड। अच्छा, फैसिलिटी की बात करा तो एक लड़कियाँ मिलनी चाहिए, बातचीत तरीका मिल रही है? परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी दिक्कत को नहीं आवे? नो मैम। ए लगा कि काश मम्मी का होता या घरा होता तो यह चीज़ अपना। हाँ, ये कॉमन होता है सभी के साथ, कभी ना कभी तो ये मोमेंट्स आते ही हैं नॉर्मली। खाना पीने की शौक है? खाना एकदम एज अ हॉस्टल लाइफ में परफेक्ट है मैम। परफेक्ट है, मीठो तीखो खट्टो मीठो सब टाइम पर मिला है? यस मैम। और देखो लड़कियाँ बात कर ली बिल्कुल फ्रेंडली हो कि बच्चियाँ बात करी, अभी बच्ची ब्रेकफास्ट के लिए जाके अपनी स्टडी करेगी और दोपहर के बाद माँ की क्लास ही बला गई, तो बेटा पढ़ाई करो और रो मापा बंद कर दे वहाँ। और भाई हॉस्टल में जा जाके मैं खुद ही चेक करने लग रही हूँ कोई प्री प्लानिंग कौन चल रही है हमारी, तो मैम भी एक बार तो मज़ब आई तो यह लगे कि भाई बेरो को नहीं के पूछेगा, पर मैं मैम ने बता दिया नॉर्मल बातें करनी। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मैम। के नाम है? रागिनी शर्मा। रागिनी जी खड़े हो? सीकर से। तो इजा थे कि कुछ संभाल रहे हो, कि कुछ कर रहे हो? बस हॉस्टल पूरी मेरे अंडर में ही है या। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। वो तो लड़कियाँ की है ना? हाँ, केवल गर्ल्स। और भाई जठे गर्ल्स हॉस्टल है, बड़े गर्ल्स ही यानी कि थे बैठे रहो? हाँ हाँ हाँ, अंदर एंट्री नहीं है जेंट्स लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो सर कभी चेक करना? तो सर भी परमिशन से? हरी परमिशन से। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, देखो जठे गर्ल्स हॉस्टल है बड़े गर्ल्स ही बैठेगा, जटे बॉयज़ है बड़े बॉयज़ ही बैठेगा, क्योंकि कंफर्टेबल अच्छी तरीका हुई। लड़कियां भी कभी कोई दिक्कत आवे तो वहाँ आके बोल दी, और अठे ये बिल्कुल बैठे रही। नाइट में भी कोई ड्यूटी वगैरह हुआ? हाँ, नाइट में 12 बजे तक रहते हैं। 12 बजे? हाँ, 12 बजे तक, लास्ट राउंड 12 बजे। अच्छा, फिर सुबह 5 बजे। ओके, तो सो तो बहुत कम? कोई नहीं, बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल जिंदगी वर्षाणो ही है, कुछ ही पल नहीं जो आप अच्छी तरीका अपना एंजॉयमेंट अच्छी तरीका कर सकता। हाँ, और बहुत ही अच्छी तरीका इज्जा भी भाई वो डब्बो लगा रखे बारे में बात कर रही भी डब्बा की, सच में की फीलिंग ही कुछ अलग है। एक फ़ोटो खींच लियो, देखो यो डब्बो इज्जा भी लाग रहे है कि भाई बच्चा इजा कार्ड डालो, कार्ड डाल के इजा फटाफट अपनी मम्मी और पापा हूँ बात करनी है तो कर सके ही। और सच में ही मोबाइल ना देखी मेरे तो पहले घर मोबाइल रखा करता ना वह डब्बा रिलायंस वाला टाटा वाला बाकी याद आ गई। अड़िन भी बच्ची पढ़ाई कर रही है? हाँ जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। के नाम है? करुणा। करुणा खड़े हो? करुणा सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा, तो हरियाणवी में बात करेगी या हिंदी में बात करेगी? हाँ एज योर विश। क्या मैं भी कर ले गया तो? तो बेटा हरियाणा सीकर आयो, सीकर आने में कितनी के तारी जर्नी रही है बताओ थोड़ी सी? पढ़ाई से लेकर करियर अपना सिक्योर हो जाता है यहाँ आने के बाद कि फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई किसी को है? पढ़ाई बढ़िया एकदम बेस्ट। बेस्ट। हाँ, कोई दिक्कत आवे तो? नहीं, दिक्कत आती है तो इतनी तो दिक्कत आती नहीं, अगर आती है तो सॉल्व हो जाती है वो ऑन द मोमेंट ही। हाँ बस हॉस्टल लाइफ तो ऐसे है कि यहाँ अपन सब डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब घर से दूर रहते हैं और नए फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो अपन नई नई एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर शेड्यूल है कि सुबह अगर 5 बजे उठना है तो उठना ही है। ज़्यादा दिन को नहीं जब बड़े हो निकल जाओगा ना तो यह ज़िंदगी भर एक मेमोरी बन जाएगी, थारी स्टोरी बन जाएगी। हाँ, यहाँ के बाद याद तो आएगी कि वहाँ ऐसे रहते थे, एक शेड्यूल था, डिसिप्लिन था, ऐसा इन्वायरमेंट शायद ही कहीं मिलेगा। देखा तो बच्चा सीधा हॉस्टल क्लासरूम आ गए, और देखा तो भाई एकदम बोले करी ना बड़ा बुजुर्ग की मजो आ गो क्लासरूम के अंदर आके, तो बिल्कुल ये गर्मी के अंदर, ये गर्मी के अंदर एसी चल रही है और एसी के अंदर बच्चा पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्लासरूम में बैठे तो कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत हो सकता है क्योंकि बच्चा सर अभी पढ़ान लग रही और बच्चा भी अभी। अपन देखा तो भाई एक सौ अच्छी बात लगी, या गर्मी पढ़ने लग रही है 42-43-44 टेम्परेचर जा रहा है, और ये गर्मी के अंदर एसी के अंदर बच्चा ही एसी लगा रखे बिल्कुल एसी की भाई बच्चा का कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ है, और ये कि जो फैसिलिटी है वो केवल PCP दे रहे है। अभी आप देखा तो भाई क्लासरूम शो आप डाउट काउंटर पर आ गए, और ये जब बहुत सारा बच्चा ही बाहर रखे ही
जेका का भी बच्चा का डाउट ही वह डाउट काउंटर पर आवे ही और अपना जो भी डाउट ही बस सोल्व करी ही कि भाई की तरीका का डाउट आ रही और बस सरू मिल की पूरा का पूरा अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं कि तरीका की दिक्कत आ रही है और देख रहे होगा कि लगातार बच्चा खड़े ही अड़िन पीछे की आप जहाँ बातचीत करा तो अड़िन पीछे भी डाउट काउंटर ही और एक डाउट काउंटर को नहीं है बहुत सारा डाउट काउंटर ही कि भाई बच्चा कभी बच्चा का कोई भी प्रकार की दिक्कत न हो और बच्चा अच्छी तरीका अपना डाउट ही वह क्लियर कर सके थे। देख रहे होगा विजुअल के तहत कि पूरा का पूरा बच्चा इस डाउट अपना क्लियर कर रहे हैं। ओह माय गॉड भाई अभी आप देखे कि कुछ बच्चा ही है बच्चा बारह का सा लाग रहे हैं तो सुंदर ही टाबर पर लागे ही बारह का सा ही राजस्थान का भी कोनी है राजस्थान के बारह का बच्चा ही तो हम बातचीत करेंगे अगर मारवाड़ी मन लागे समझ में कोनी आवेगी मैं जाते जाते मन तो दिखाई देगा। तो हेलो नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो? हम मणिपुर से। मणिपुर से आपको सीकर के राजस्थान सीकर पिछवी के बारे में कैसे पता लगा? वो हमारे जान पहचान ने ये बताया था कि इधर जो पढ़ने जाता है ना उसका सिलेक्शन उसकी सिलेक्शन की रेट बहुत हाई है। अच्छा तो फिर पहले से ही राजस्थान एक शिक्षा नगरी है जो सब लोग जानते हैं और ऊपर से सीकर एक माहौल देता है जो हमें पढ़ने के साथ साथ भी एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। अच्छा तो पीसीपी के बारे में कैसे पता लगा? खबर तो वैसे ही पहुंच जाता है क्योंकि पीसीपी पहले से ही एक बड़ा इंस्टीट्यूट है ना जो सिलेक्शन देता है। मणिपुर से कितने बच्चे हो आप? 100 के आसपास है। 100 के आसपास लड़का लड़की। हाँ कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स रूटीन रहता है हमें पढ़ने के लिए एक फिक्स रूटीन दिया जाता है। तो कुछ मैं राजस्थानी बोलूँ तो कुछ समझ में भी आई राजस्थानी में? थोड़ा बहुत तो समझ लूँगी। अच्छा तो मैं मारवाड़ी बोलूँगी तो समझ में आ जाएगी? बोल तो नहीं पाऊँगी। अच्छा तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ मैं क्या पूछ रही हूँ अभी? आप ये पूछ रहे हो कि आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? मैं वही नहीं पूछ रही हूँ टॉपर ने कि भाई मैं क्या पूछ रही हूँ तो हिंदी बोला कि आप ये पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय। भाई मैं थोड़ी की निकल रही और अचानक ये टाबर मिल गया और मणिपुर का बच्चा ही है और चार पांच बच्चा को नहीं है 100 बच्चा ही तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भाई इतनी दूर से एक राजस्थान सीकर पिशपी के अंदर बच्चा आ रही है। 12 बज गए हैं और लंच यानी दोपहर को खाना स्टार्ट हो गया है। खाना में क्या है वो मेन्यू के बारे में भी आप प्राप्त थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कराँगा और अठिन थे देख रहे होगा कि भाई बच्चा खाना डलवा रहे हैं और दिखने में बहुत लाजवाब खाना लाग रहे और हकीकत बताओ ना खाना देखी मैंने हकीकत में भूख लग गई तो पहले मैं सोचा कि मेरा प्यारा सा दर्शक खातर वीडियो बना लूँ। जहाँ कि अठिन देख रहे होगा कि भाई खीरा सलाद डाल रहे हैं अठिन दही डाल रही आगे चावल है दाल है और अठिन सब्जी है और देखा तो भाई काफ़ी लोग तो मनिया लगा कि गुआर की फड़े की सब्जी खाई भी होनी होगी सीजन में और देखो बच्चन गुआर की फड़े की सब्जी है वह मिलन लागी है और ये तरीका रूटीन का तरीका हूँ बच्चा ने एकदम खानो है वो डाली है। देखा तो भाई चावल दही दाल सब्जी रोटी और सलाद यानी कि घर की याद है बिल्कुल भी होनी आवे नहीं बिल्कुल नहीं आएगी बिल्कुल खानो लाजवाब लाजवाब बिल्कुल पौष्टिक चेक करो चेक है फेस पर आप स्माइल देख पा रहे हैं और भाई स्माइल की वजह हुई है कि खानो अच्छो नहीं लगे ना तो उससे मुँह आपको बना बना के निकल जाए पर देखने में इतना टेस्टी लग रहा है मैं खाऊंगी और थे वीडियो शेयर कर दियो इतनी देर मैं खाना खा ली और थे वीडियो शेयर कर दियो। तो और एक चीज़ देखिए कि अरे भाई मक्खी ही बिल्कुल भी बोल घूम रही साफ सफाई को विशेष ध्यान रखे गयो है तो बेटा थोड़ी सी परन किशक भैया बच्चे हम दो बातचीत कर लें। हेलो नमस्ते। नमस्ते मैम। खड़ा का नागौर से। क्या नाम है बेटा? अनीता चौधरी। अनीता चौधरी और आपको? महक अलवर से। अलवर से। तो पहले तो मैं एक एपिसोड थे सुनया करो के मन की बात मोदी जी को तो थे सारी मन की बात बताओ आज। मन की बात तो महज का खाना है हमारे यहाँ तो अच्छा सबसे घर का जैसा खाना लगता है हमको और हर हफ्ते में खाना बदलता रहता है काफ़ी साफ़ सफाई भी रहती है काफ़ी अच्छे से खाना मिलता है मतलब हम कदे भी आवा दिन में रात में हर जगह कोई ना कोई मिले हैं खानो मतलब एक बार बोला करी कि स्वाद आनो है एक बार क्या ठीक ठाक है पेट भर गो कति घर का स्वाद आवे है कति घर की फीलिंग बन जाती है हाँ। ये लगे जब घर जाओ तो हॉस्टल की याद आवे कभी
हाँ बस हॉस्टल का सब्जी की याद आवे। मम्मी ने बोला करा आपकी सब्जी का स्वाद ही अलग है, हॉस्टल का ही ठीक है। अच्छा हाँ मतलब माँ को हाथ को खाना तो माँ का हाथ को ही है, पर हॉस्टल की सब्जी को स्वाद अलग हुआ। हाँ बहुत अलग होया करा, घर पे तो ऐसे खाया ही ना करा। तो बताओ चावल खाए फोन डाल के लाए? चावल और नींद आवे क्लास। चावल खाया? तो बेटा जहाँ थोड़ा चावल डाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, तो वो भी खा लिया करो, थोड़ा सा इतना उसको खा लिया। रात में खाया करा, रात में खा कर आराम से सोया करा। अभी आप देखा तो भाई लड़का का मैं उसके अंदर में आ गई हूँ, जठे लड़का खानो खावे ही। और इधर एक पेरेंट्स भी ऐड है, तो मैं सोची कि भाई क्यों ना आप एक पेरेंट्स को बात करा। तो अभी जो सरदार जी, अंकल जी, अंकल जी थोड़ी सी बाइट लेनी है। बैठो बैठो। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हो, क्या नाम आपका? हनुमानगढ़ से, सोहन सिंह। अच्छा हनुमानगढ़ से। तो कौन है आपका यहाँ पे? बच्चा है मैडम। बेटा है? हाँ। तो बेटा किस चीज की तैयारी? जेई। जेई की कर रहा है। तो पहले आप खाने के बारे में बताओ। बहुत अच्छा है मैडम। बहुत अच्छा है। सच सच बताना, घर की फीलिंग आती है, ये होता है कि भाई चल ठीक है? बहुत अच्छा है, बिना मसाले वाला खाना है, घर जैसा खाना है। अच्छा। मेरे को 2 साल, दूसरा साल है बच्चे को, कई बार आया हूँ, हर बार एक क्वालिटी मिली है। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में क्या होता है, या हॉस्टल में देखते हैं बच्चे, खुद भी हम हॉस्टल में रही है, तो वहाँ शुरू वाले 10 दिन अच्छा खाना मिलता है, बाद में उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पूरा साल पूरी की पूरी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अच्छा, अच्छा खाना मिला। बहुत बहुत अच्छा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। खानों की शौक लग रही है, खाने के बारे में बताओ थोड़ा सा। एकदम बढ़िया खाना मिलता है यहाँ से। अच्छा, क्या खाना? कढ़ी की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी और खीरा की सलाद है। तो खानो मतलब खानो खा के पेट भर जाए या कोनी भरा है? ना पेट तो आराम से भर जाता है। पेट आराम भर जाए, एक तो पेट आराम भरना, और एक ही है कि भाई स्वादिष्ट। हाँ स्वादिष्ट, एकदम बढ़िया स्वादिष्ट है। ये बताओ भाई टाबरे को खानो तो इश्यू होना चाहिए, दही दाल चावल, यो खानो खाऊंगा ना वास्तव में टेस्ट ही अलग होगा, है ना? यस मैम। बताओ की मजा आ रहा है खाना? बहुत ही मजा आ रहा है खाना खाने। स्वाद आ रहा है, बिल्कुल बेटा स्वाद आ रहा है। अलग अलग खानो मिला और बहुत ही अच्छा खानो मिला, देखी मतलब मन तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और खाऊंगी तो और पता लगेगा। नमस्कार, जलको मीडिया से मैं गेस्ट एंकर डॉक्टर पीयूष सुंडा, पीसीपी प्रिंस सीकर से। और आज हम देख रहे हैं कि जलको मीडिया की टीम प्रिंस के हॉस्टल्स की विजिट कर रही है, हॉस्टल लाइफ देख रही है। तो हमने खुशबू चौधरी मैडम आए हुए हैं, इनको निमंत्रित किया खाना खाने के लिए, तो इनसे ही जानना चाहेंगे कि खाना की अन क्वालिटी कसीक लागी, लोगन पूछ रहे आता दिन। राम राम जी मैडम। राम राम जी। राम राम। थकाली नौकरी तो आज मैं पकड़ ली है, तो नौकरी खतरम भी हो सके। नहीं नौकरी मत पकड़ो दे। तो बताओ खानो ठे खा रहे हो मैस में, रूटीन में हॉस्टल में रिया थे कना? हॉस्टल में रिया को रहता जना था, और ज्यादा इस चीज को फिर ऊपर तो टाबरा को खानो का शौक है, काम चला हुआ है को नहीं है? नहीं काम चला हुआ नहीं बोल सकूं मैं, बहुत अच्छा बोल सकूं इन। कोई प्रचार के लिए बोल रहा हो या मनु बोल रहा हो? नहीं नहीं, इन प्रचार की बात ही, भागा की खातर खाना खातर ही भागा ना। जी जी। खानो ही अच्छा नहीं मिला, झूठ के बोलूंगी। अच्छो है, सुबह भी मैं ब्रेकफास्ट करी ना अच्छा लग रहा, नहीं तो अब लंच करने लग रही हूँ, नहीं चली जाती इतनी देर में। तो हॉस्टल लाइफ नो डाउट पढ़ाई डिसिप्लिन और अपन कह सकते हैं हेल्थ हाइजीन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और प्रिंस एजुकेशन हब में पढ़ाई की क्वालिटी के साथ साथ हॉस्टल के फूड में भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, और इसका प्रमाण ये मैडम दे रहे हैं। और मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि यहाँ मनु बोल रहे हो, वीडियो कैमरा पर दिखावन बोल रहे हो? वीडियो के मतलब ये तो मेरी पर्सनल है ना, प्रोफेशनल तो मैं भी काम खत्म करके बैठ गई, सच में अच्छा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, आप पधारे, धन्यवाद। लगातार पूरे को पूरे वीडियो थे देखियो है। अभी ये वीडियो के बाद मैं था रही समझ में, या थोड़ी बहुत सवाल होता होगा कि भाई इतनो सब कुछ संभाले ही, जो पीसीपी को इतनो यो ग्राउंड है, इतना लोग ही, इतना बच्चा ही, बन की तरीका मेंटेन करी ही, बस रखन में आ गई हूँ कि भाई इतना बच्चा ही भाई कि महिला लुगाइयाँ जो बोलिया करी हैं कि भाई मैं एक टाबर ने कौन संभाल पाऊँ, ये स्कूल वाला इतना बच्चा ने कहीं संभाल नहीं। तो सर नमस्कार, राम राम। जलको मीडिया का सभी दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम। सर देखा तो यो सवाल थे भी शायद कठे ना कठे थारे जहन में, या सुनियो होगो ते महिलाओं के द्वारा, भाई मारो दो दो टाबर, एक एक टाबर कौन संभाल रहा, इतना टाबर थे कैसे मैनेज कर लो हमारे, तो या थोड़ी सी बात खटक रही है। देखो खुशबू जी, इमिया है एक कहावत है ना कि अक्ल बिदाम खबाऊँ को नहीं आवे, बछीड़ खबाऊँ आवे, या दखा दखा खबाऊँ आवे। तो मारो जो को
खुद को जो बचपन है वो हॉस्टल लाइफ में बितेड़ो है, और हॉस्टल में बहुत लंबे टाइम है मेरी या मैं भी और छोट के पीयूष भी, तो भी जाऊँ बहुत कुछ चीज़ें सीख पान मिली। और फिर दरअसल शुरुआत 30-35 टाबरा हूँ हॉस्टल में राख बसों शुरू हुई, जो कि आज बड़ी संख्या में हुई। फिर आ को नहीं भाई कि एक जगह ही मैं कोई बहुत बड़ो कोई कैंपस तैयार कर दियो, अलग अलग लगभग 13-12 कैंपस सीकर शहर के अलग अलग चल रहे हैं। तो बाकी हर कैंपस की भी जहाँ रहने की व्यवस्था, अभी जहाँ खाने की व्यवस्था, अभी जहाँ हॉस्टल की व्यवस्था, वहाँ का सुपरविजन की व्यवस्था बैठे का काबिल लोग के हाथों में, ये वजह से सारों काम ऑटोमेटिक व्यवस्थित तरीकों चले। मान तो आई है कि सुबह से शाम तक बाकी अच्छा तरीका से बाकी मॉनिटरिंग हो जाए, और जकी भी कोई कमी अगर मान दिखे पूरे दिन में जकी कमी भाई आज है 5 कमी अपन नोट करिए, 4 कमी नोट करी, तो बन शाम तक या दूसरे दिन बांको दुरुस्तीकरण किया हुआ, बांको समाधान किया हुआ, बी की मैं पूरी कोशिश करा और बी सू पूरो काम ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक रहे। बिल्कुल भाई, इतना बच्चा ही बाका खाना को पीना को बाको हर एक मैनेजमेंट थे संभाल रहे हैं। बी मैं हर चीज़ को अलग इंचार्ज है, मैस को अलग इंचार्ज है, बी के ऊपर खाना की सप्लाई को बांको जो राशन को है वो अलग इंचार्ज है, फड़ाई को अलग इंचार्ज है, हॉस्टल का सुपरविजन को अलग इंचार्ज है, फिजिकल ग्राउंड को अलग इंचार्ज है, सुबह की परेड पीटी को अलग इंचार्ज है। तो बी सो कह हर जो इंचार्ज है बी की वह जिम्मेदारी हो जाए, और वो जिम्मेदार वो आदमी जो है बी की कोशिश आ रहा है कि हर हाल में वो सारा सिस्टम ने व्यवस्थित चलावे और बी कोई कमी निकल नहीं पावे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। जितना भी मेरा प्यारा प्यारा दर्शक देखने लग रहा है, पहले तो ये वीडियो ने शेयर कर दियो, काफ़ी देर वीडियो देख रहा तो थे सोच रहे होगा कि भाई आज खुशबू जी कड़े पहुँचे हैं, तो मैं PCP को नाम थे सुने हो गो अठे नहीं है अपने आस पास में नहीं, मतलब भाई नेशनल अपने जो राजस्थान का 12 का बच्चा भी जा रहे हैं, राजस्थान का भी आ रहे हैं, माता पिता जब बच्चा ने हॉस्टल में भेजी तो बाका कठिना कठिन चेक रहे कि भाई आप बच्चा ने भेजेंगा कि तरीका बाको खानो पीनो होगो कहीं बाको रहनो सहनो होगो। तो आज बा चीज़ मैं सोची काफ़ी दिन, हम सोच रही कि क्यों ना यार आप कोई हॉस्टल लाइफ को ऊपर एक वीडियो बनावा, और आज मैंने PCP के अंदर आने को मौको मिलो तो बहुत ही अच्छा लगे। और जो का भाई हॉस्टल में पढ़ेड़ा ही, और बाग ने भी अपनी हॉस्टल लाइफ याद आ गई होगी तो कमेंट जरूर करियो, और पढ़ने वाला बच्चा ने वीडियो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।